ये वुडन स्पूल देख रहे हैं, इन्हें ही कानी कहते हैं और इन्हीं से बनाई जाती हैं खूबसूरत शॉल्स। जब एक वीवर लूम पर बैठा होता है तो उसका लेफ्ट हैंड जो कानी उठाता है, आप समझ लीजिए कि उसके इन दोनों उंगलियों में आंखें लगी होती हैं। तो उनको पता चल जाता है, इन आंखों को पता चल जाता है कि मुझे कौन सी कानी उठानी है। ये एक दिन में फ्यू सेंटीमीटर, एक से लेकर दो सेंटीमीटर बनाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन, मतलब डिजाइन कितना बारीक है उसी हिसाब से ये बनता है। हर टाइम में कानी शाल का एक अपना अलग मुकाम था। अकबर इसका जबरदस्त शहदाई था, उसने आईने अकबरी में इसका जिक्र है कानी शाल का। ये कहा जाता है कि कानी का जो कारीगर था वो हुक्के में पानी के बदले में दूध डालते थे, मतलब ये उनकी प्रॉस्पेरिटी की तरफ इशारा देता, वो इतने अमीर हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गया वो क्राफ्ट भी, वो लूम भी, तो कश्मीर में फिर कोई नहीं जानता था। आज कानी शॉल को फिर से रिवाइव किया जा रहा है। श्रीनगर से करीब 20 किलोमीटर दूर इस छोटे से गांव कानी हामा में हमारे जो वालिद थे उनका नाम गुलाम मोहम्मद था, लेकिन वो पूरी दुनिया में मिस्टर कानी हामा के नाम से मशहूर थे। उनके दिमाग में यही था कि हमारी फैमिली में एक क्राफ्ट रहा है कानी शाल का, तो हमने इसको अधूरे रास्ते पे क्यों छोड़ा है, तो इसको रिवाइव करूं। यहाँ करीब 600 वीवर्स 250 हैंडलूम्स पर काम करते हुए अपनी कला को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। अगर आप दुनिया में कहीं भी जाए तो इसकी दूसरी शॉल आपको नहीं मिलेगी। अब फैशन डिजाइनर्स आते हैं, वो अपने अपने हिसाब से शॉल काट के एक वेस्ट कोट बना लिया उसका। I think the most exciting thing about Kani is the color theory, because Kashmiri craft में color theory हमेशा nature से highly inspired रही है। But once you get to see how the weavers work, just that fact के इतनी intricacy से काम हो रहा है, किस तरह you know they change the switch the bobbins, interlock the threads. Especially if it's a bit of a senior artisan, the way they work, it is very awe-inspiring. यहाँ पे ये बात बोलना लाजमी है कि जो हमारा फ्यूचर है या हैंडलूम जो है, कहीं इसके ऊपर मशीन कब्जा न कर बैठे, तो कभी ये कहीं ये फिर से खत्म न हो जाए ये कश्मीर से ये आर्ट जो ये क्राफ्ट है। A big reason why I decided to stick with Kani is because ye ek local craft and I want to take it to the next level. Hum roz isme ye chahte hain ki isme kuch innovative ho. If you are not going to preserve and modernize your craft, why would somebody else come to your place and do it for you? But we can adapt new designs and use the same technique. पुरानी कला में नया रंग भरते भारत के कारीगरों का वाकई जवाब नहीं है। It happens only in India.